आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, दवा नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, अस्पतालों में बेड्स तक नहीं है। अब तक की स्थिति और तथ्यों को देखकर एक बात तो साफ है कि रिफिलर्स के पास पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन रिफिलर से अस्पताल तक आपूर्ति की निगरानी के लिए दिल्ली सरकार के पास व्यवस्था तक नहीं है। सारी परिस्थितियों को देखकर दिल्ली सरकार पर हमारा विश्वास डगमगा सा गया है। आपको बता दें, पीठ ने कहा है कि इस तरह से लोगों को मरते हुए हम नहीं देख सकते। वहीं पीठ को जवाब देते हुए दिल्ली सरकार के बचाव में उतरे स्टैंडिंग काउंसिल राहुल मेहरा ने कहा कि हमें ऑक्सीजन सप्लाई का अनुभव नहीं है, ये हमारे लिए भी नया है, हमें थोड़ा वक्त दीजिए। पीठ ने इसके जवाब में कहा कि दिल्ली सरकार अपना काम दुरुस्त करे। पीठ ने कहा कि आम आदमी पार्टी प्रशासक है और आपको प्रशासन चलाना आना चाहिए। पीठ ने कहा कि आपके पास अधिकार है, आप उसका इस्तेमाल करिए। वहीं राहुल मेहरा ने कहा कि हम ऐसा करके माहौल बिगाड़ना नहीं चाहते। इसके जवाब में पीठ ने कहा कि अगर कोई व्यवस्था बिगाड़ रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करके सख्त संदेश देना भी जरूरी है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।